तो मैं डरने वाली नहीं। जो करना है कर ले। मम्मी यही सब मैं साइन कर दूं मम्मी। सालिया, मेरे मामले में टांग मत अड़ा, समझा? मैं मर्दों से लड़ाई करता हूँ, मुझ मुंडों से नहीं। चला यहाँ से। ओए मर्दानगी की ऐसी निशानी ना मुझो से नहीं होती, हरकत उसे पता चलती है। एक औरत को अकेला देखकर रौब झाड़ रहा है? अरे हिम्मत है तो आ, लड़ मर्द से, आ जा। पवनियों के बाजों की मदद करता है साले। वहीं रुक जा जगन, आगे मत बढ़ना वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं तेरी। क्या बात है पापा जी? वाह पापा जी वाह, मेरे शेर पुत्र मेरे साथ है और एक लाचार औरत पर जुल्म तुझे करने नहीं देंगे हम। वो चाहता है या नहीं? नहीं। बस करो, ये खून खराबा मत करो, रब दे वास्ते मत करो ये सब। ये आप लोगों के लिए खाना लेकर आया था। लीजिए। वैसे अंबाजी, वो मूछों वाली बात मैंने सही कही ना जगन को? जी हाँ। अच्छे लगते हैं। और असली मर्द वही होता है जो औरत की इज्जत करना जानता है। शेर पुत्रों चलो। इसीलिए सूट चाहिए स्पेशल वाला। तो तैयार है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल तैयार है मालिक। एक काम कीजिए मालिक,
आप जाइए, मैं घर पहुंचा देता हूँ। आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? दिक्कत नहीं, मुझे पता था। तो मगन बाबूजी मैं निकलता हूँ। जाइए मालिक, जाइए, मुझे पता था। साले आज रात फिर इश्क लड़ाने वाले हैं। आप यहां पर हैं? मैं आपको वहां ढूंढ रहा था। मैं तो यहीं थी। तो मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? नहीं, मैं पागल हूं जो वहां पीछे पीछे आपके भाग रहा था। आप ऐसे गुस्सा करते हो ना सब पर, नाराज हो जाते हैं, फिर सख्त आवाज में बात करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कभी कभी मीठे बोल भी बोल लिया करिए। मीठे बोल किया जी, मैं तो गाना भी बहुत मीठा गाता हूं। आप कह रहे थे कोई नहीं है, गलती कर रहे हैं आप। कब से कह रहे हैं? मैनू इश्क दा लगी यारो, मेरे बचने की नहीं उम्मीद। मैनू इश्क दा लगी यारो, मेरे बचने की नहीं उम्मीद। अरे उधर दिख रहा है, इधर नहीं ना दिखता। ओ की कहते हैं जूम जूम होता ही पिया। मैनू इश्क दा लगी यारो, मेरे बचने की नहीं उम्मीद। कैसा लगा? काम ममान जी, हाँ का हुआ? बेइज्जती करा के आ गए, अपनी भी और हमरे भी। कहे थे आपसे, वो पिद्दी ना पिद्दी का सोरबा जरूर कोई नया चक्कर चला रहा है, पर नहीं, आप ठहरे सबसे बड़े बुर्बक। इतना समझाया पर खा गए गच्चा। और मामान जी, उस दिन हम आपको समझाए के खातिर आपको कुत्ता बुला दिए तो बड़ा बुरा लगा आपको। आज सबके सामने उपिद्दी आपको गधा बना दिया, गधा। वो ठीक है, वो खुद ठहरा चालाक सियार। उस सियार को सर्कस में नहीं ना नचाया तो हमारा नाम भी सुशीला नहीं होगा। मुझसे अभी कोई और पराया मत, मुझे नहीं चू सकता। ये मुझे अपने आप से नहीं, मुझे नहीं होगा ये सब, नहीं होगा मुझे ये खेल। नहीं मम्मी, ऐसे नहीं हारते ना, आपने तो हमें सिखाया है। मम्मी अगर आप टूट जाएंगे तो हमारा क्या होगा? मम्मी अब आप मेरी बात सुनिए, आपके सर पे लगे हुए जाम को धोने के लिए ही अभी सब कर रहे हैं। मम्मी
मम्मी हाजी अंकल और जगन चाची की वजह से आपकी बेइज्जती हुई है ना। अब आप देखना, उन्हीं की वजह से आपको आपकी इज्जत वापस मिलेगी। मम्मी ये मेरा वादा है आपसे। अरे नहीं मम्मी, नहीं बहुत दुबले हो गए तो। अरे प्लीज नहीं बोलना। गलती हो गई जी, मुझे माफ कर दीजिए। जाहिल, आप ऐसे गुस्सा करते हो ना सब पर, नाराज हो जाते हैं और फिर सख्त आवाज में बात करते हैं। कभी कभी मीठे बोल भी बोल लिया करिए। जी आपको आगे भेज भेजी, सब खराब हो गया। आपको लेने आया हूँ दी थी, अगर आपने चली ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जानी है। आप चलिए ना मेरे साथ दी थी, क्या आपको भी जरूर बीजी 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 नहीं बीजी, आपको होश आ गया था ना बीजी बीजी बीजी, उठिए ना, ऐसे नहीं हो सकता, आपको होश आ गया था ना। ये तो बहुत गलत हो गया ना बउआ। जाओ बउआ, उठाओ अपनी बीजी को। बीजी 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 दीदी, सुशीला नानी ने ये सब किया। अभी वो मेरे सामने उठ गई थी, बैठ गई थी वो, लेकिन पता नहीं कैसे वो फिर से भी खुश हो गई। नहीं, अब मम्मी हरजीत अंकल से नहीं मिल सकती, हमें कुछ करना पड़ेगा। आप जाके मम्मी को रोको, मैं हरजीत अंकल को रोकता हूँ कुछ भी करके। हाँ जल्दी करो, कहीं देना उसे। चलो मनु, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा यहाँ से। रमन बीजी और स्वरूप बुआ सब का मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम जा, बस जा यहाँ से। मनु यारा, वो चिट्ठी पापा जी ने भेजी थी नौकर के हाथ, हमने नहीं, और इस वजह से वो बहुत गुस्से में। अम्बा के प्यार में आपने मुझे मुंडवा दी, गाने गा दिए उसके लिए, और का हाथ आया आपके, कद्दू न घर के रहे न घाट के। ओ अम्बा, आपको प्यार से मूर्ख बनाए तो आप उस पर बंदूक का तान रहे हैं, उसका खेल उसी पे खेलिए तो। कहिए उसे जाके आपकी बन जाए, चले आपके साथ आपके घर, तब जाके बनेगा ना खेल। सासू माँ पास नहीं माता है, कह रहा नहीं आएगा साथ में। अरे मामान जी, मरने दीजिए उस बुड्ढे को, वो जरूरी नहीं है। पाभर चाहिए ना आपको, दस्तखत चाहिए अम्मा का, वो हम लेकर रहेंगे। आप जरा हमको मिलिए बरगद के पैर के नीचे टेकरी पे, और मरने दीजिए उस सरपंच को।
यही चाहता था ना वो अमन शांति तो एक दिन के लिए ही सही। मैंने भी सोचा कि भाई चलो आज अरिजीत के साथ हाथ मिला ही लेते हैं। फिर तो तूने इस गांव से धक्के खा के निकल जाना है। तो हुआ ये है कि वो जो फैक्ट्री वाला टेंडर है ना वो मैंने इंजन आपके नाम कर दिया। बदले में बस ये थोड़ी सी रोशनी मांग ली। वो क्या है ना कल भी इधर आया था पर लैट थोड़ी सी कम पड़ गई तुम्हारी वीडियो खींचने में। क्या हुआ अंबा, किसको ढूंढ रहे है? मनुआ को कि तुम्हारी सास को? इधर ना तो तुम्हारा पिद्दी आएगा ना तुम्हारी सास। वो कहा है कि एक एक कमरे में बंद करके आए हैं दोनों को। पंचायत के सामने बेइज्जत होके तो करना ही पड़ेगा ना। वो कहा है कि वीडियो हम अपने मनोरंजन के लिए नहीं ना बनाए हैं। मेरा नहीं तो अपने मरे हुए भाई के बारे में तो सोच। जंगल उसकी बीवी हूं मैं, तेरा परिवार। सारे बाजार में अपनी परचाई की इज्जत नीलाम करते तुझे शर्म नहीं आती क्या? और तूने ही भरे बाजार में मुझे कहा था ना कि तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कि तू जिससे मिलना चाहती है तो मिलेगी। परजाई मैं तो फिर भी तेरी बात का मान कर रहा हूं, दे तो रहा हूं इज्जत तुझे, इससे ज्यादा क्या चाहिए। अरे अम्बा दस्तखत कर दे, का है बखत खराब कर रही है हा? कोई नहीं आने वाला है संभालने के लिए, का समझी? चल पर जाई। पापा सिमी बेटा जरा इन्हें दिखाओ। सारे पिंड के सामने पवन ने खानदान की बहू का नाम नीलाम कर दिया तूने, तू मुझ पे बंदूक उठाएगा? और सारे किया मैंने, उठा दिया अपनी परचाई की इज्जत पूरे बाजार में। लेकिन ये सोच कि अगर मैंने झूठा इल्जाम लगा के अपनी परचाई की इज्जत को नीलाम कर दिया भरे बाजार में, मैं तेरा क्या हाल करूंगा छा पड़ने के लिए? चाचा जी आपकी गाड़ी की रोशनी की वजह से ना मैंने भी एक वीडियो बनाया सरपंच काका के फोन से। मम्मी मैंने आपसे वादा किया था ना कि जिन लोगों ने भरी पंचायत में आपकी बेइज्जती की थी वही आपको बाइज्जत घर तक छोड़ कर आएंगे। जो कर रहा हूँ ना वो मुश्किल है, या तो हम बेइज्जत होके गांव के बाहर जाएंगे या इज्जत से घर वापस जाएंगे।
मम्मी। दीदी आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? हमें अपने घर वापस जाना है ना। मन्नू मैंने तुझे बहुत डांटा, मैंने बहुत गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दे प्लीज। दीदी आप रो क्यों रही हैं? हम अलग थोड़ी हैं। आज हमारी मम्मी को उनका सम्मान वापस मिल गया है, उनकी इज्जत वापस मिल गई है। अंबा पवनिया, आपकी इस दशा के लिए कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं, हम आपसे माफी चाहते हैं। मनु बेटा इधर आओ। आपके बारे में क्या कहूं, रब करे तेरे जैसा बेटा हर मां को मिले। आज तुमने सचमुच साबित कर दिया तुम ही चरण पवनिया की असली वारिस हो। मन्नू पवनिया जिंदाबाद। 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 इसने मेरी बेबे को धक्का मार के गिर, आज मेरी बेबे बिस्तर पे पड़ी हुई है इस औरत की वजह से। मम्मी, मनु, मनु, रहने के लिए यहाँ से। आप अपने बच्चों के लिए व्रत रखते हो तो क्या एक दिन बच्चे अपनी माँ के वास्ते व्रत नहीं रख सकते? तू कुछ खा के आ रही है क्या? गुंजन, हाँ घर से खा के आई हूँ नानी के साथ। अरे पूरा पिंड जानता है तू की गुल खिलाई ने, खुद ते बच्चे लड़ औरत है, अपने सास नु जान लाल मारने की कोशिश की थी, वो भी उस पराए मरदे ले। हरजीत अंकल और जगन चाचा की वजह से आपकी बेइज्जती हुई है ना, अब आप देखना उन्हीं की वजह से आपको आपकी इज्जत वापस मिलेगी मम्मी, ये मेरा वादा है आपसे। इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती ना अम्बा, ना, ओ ना, इसका इसका हर जाना चुकाना पड़ेगा तुझे, चुकाना पड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सारा मेरे साथ धोखा किया, सारा इतनी छोड़ूंगा नहीं साले को, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको चुकाना पड़ेगा। तेरी छोड़ू नहीं पड़ जाए, अब कोई इससे बात नहीं करेगा, ना ही इसे कोई कुछ समझाएगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है
इसे ये बताने का कि घर परिवार से चलता है, तानाशाही से नहीं। पड़े रहने दो इसे। मामान जी, सुबह हो गई, रात भर टहलते रहे लगता है। पर अब पछताया होत का जब चिड़िया चुप गई थे। अब बस करो सासू माँ, वैसे कल मेरी इतनी बेइज्जती हुई और अब आप शुरू कर रहे हो, हद होती है। मामान जी, ये जो गुस्सा नाक पे ले घूमता है ना, कुछ कीजिए इसका। सारा का सारा काम ही गुस्सा ही बिगाड़ता है आपका। हम हर चंद बोलते रहे आपको, ये मनुआ खेल खेल रहा है, खेल खेल रहा है, पर नहीं सुने ना आप। कल रात गुस्सा में आके सब कुछ उगल दिए। चिल्लाते रहे हम, चुप रहिए, शांत हो जाइए, काबू रखिए थोड़ा, पर नहीं माने आप। अच्छा मामान जी, अभी थोड़ी देर में आपकी मातरम उठ खड़ी हो जाएगी। कुछ सोचे हैं क्या करना है उनका? बच्चे का ही सोचा था ना रावी। चुप कपड़ा सामान और निकल कर से बाहर। बेबे, मुझे मेरे बारे में तो सोचो, मैं कैसे जाऊंगी? इस बच्चे को लेके मैं रहूंगी? मेरी हालत के बारे में भी तो सोचो। अच्छा, अपनी हालत दिख रही है? उस समय मेरी और मेरी बहू की हालत नहीं थी दिखी?